तुम्हारा नाम बालचंद्रन है ना, यहाँ नकली शराब बनती है, मानता हूँ, लेकिन इसको पकड़ने का काम तो एक्साइज वालों का है। पुलिस वालों ने भी ये धंधा शुरू कर दिया। वैपी में तुम्हारी नकली शराब पीकर 70 लोग मर गए, उन सभी की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। हमारे पास सबूत है, चुपचाप हमारे साथ चलो। हाँ, चलूंगा, लेकिन बालू सर, खिलौने जैसी बंदूक हाथ में पकड़े और अपने साथ इन चार पुलिस वालों को लेकर नटेशन को पकड़ने चले आए। वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। इंस्पेक्टर मोहन मेरा आदमी है। सिर्फ यही नहीं, मैंने सबको खरीद लिया है। छोटे बड़े बहुत सारे लोग हैं इस डिपार्टमेंट में, सब मेरे इशारों पे काम करते हैं। बालू सर, नटेशन को कम आंकने की ये तुम्हारी पहली गलती है। नटेशन के अड्डे का पता लगाया, ये दूसरी गलती है, और मुझे अरेस्ट करने का फैसला किया, ये सबसे बड़ी गलती है। बालू सर, बाल बच्चे वाले हो तुम, मेरी बात मानो और यहां से चले जाओ। मुझे तुम पे दया आ रही है, जाओ। अंधकार केवल सूर्योदय तक ही होता है मनोहर। मेरा बेटा अपनी पूरी सेना के साथ मदुरई से निकल चुका है, अब उसका खेल शुरू होगा, संघार का तांडव। राजा 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 वो है दिल का राजा, राजा 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 बजाए सबका बाजा, पापी का कर सहार वो न सहे अत्याचार, सबका अंधेरा मिटाए वो राजा। दलाईवा 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 दलाईवा। अब मेरी कहानी को बूस्ट मिलेगा, राजा द ग्रे। समुद्र की लहरों को चीरते हुए राजा की ये तूफानी सेना पूरे जोश में आ रही है। अब कहानी आगे बढ़ेगी, मदुरई का वो शेर आ रहा है।
दायां पैर आगे रखकर आ रहा है मेरा हीरो मदुरा राजा। दुश्मनों का काल है राजा वो राजा, गरीबों की ढाल है राजा वो राजा, वो तो एक मिसाल है राजा वो राजा। पॉल सर इन्हें पहचाना नहीं? अपने कांस्टेबल जयचंद्रन, माय बॉयज सर्च्ड एंड पिक्ड हिम। इसी ने रसूल को गाड़ी से कुचला था। नटेशन के कहने पर रसूल को इसने मार तो दिया, पर नटेशन ने रसूल को क्यों मरवाया ये पता है आपको? हम चाहे तो नटेशन को अरेस्ट कर सकते हैं, पर आप तो जानते हैं कि बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बस एक सुराग मिल जाए तो काफी है, फिर हम नटेशन को पकड़ सकते हैं। उसके बाद राजा इलेक्शन आराम से जीत सकते हैं। सर, तो हमें इसके लिए क्या करना है ना, वो अगर आप सोचे तो हो सकता है। ये देखिए पॉल, मारे गए रसूल की ये कॉल हिस्ट्री है। रसूल जिस नंबर को बार बार कॉल करता था उसे मार्क किया गया है। तो इस नंबर को क्या आप जानते हैं? मर्डर वाले दिन भी इससे फोन आया था। लिसी सर, आपकी बेटी जो नटेशन के हॉस्पिटल में नर्स है, ये लिसी का ही नंबर है ना? आई एम राइट? राजा सर, वो मेरी इकलौती बेटी है। नटेशन को मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो मेरी बेटी को मार डालेगा। पॉल, अब कोई और चारा नहीं बचा है, मान जाओ तुम। लिली टीचर की बेटी अमला, लिसी और रसूल तीनों क्लासमेट्स थे, और एक दिन लिसी के ऑफिस में रसूल गया था लिसी से मिलने। नटेशन के बारे में रसूल ने मुझे सब कुछ बताया था। दरअसल वो जितने भी बिजनेस कर रहे हैं वो सब दिखावे के लिए है। वो बहुत ही खतरनाक है सर, ह्यूमन ऑर्गन सप्लाई करना उसका असली बिजनेस है। नटेशन चैरिटी हॉस्पिटल के नाम पर द्वीप की आम जनता के लिए निःशुल्क कैंप चलाता है, और जो ऑर्गन्स उसे चाहिए होते हैं उसे मैच करने वाले लोगों को वो सिलेक्ट करता है। वहाँ आए लोगों को डॉक्टर्स किसी भी बड़ी बीमारी का झांसा देते हैं और एडमिट कर उनकी सर्जरी कर देते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स को सुरक्षित रूप से निकाल लेने के बाद उन बेचारे लोगों को छोड़ देते हैं, कभी कभी उन्हें जान से मार देते हैं। ये सब जब रसूल को पता चला तो वो डॉक्टर ऋषि के केबिन में चुपके से गया, और वहाँ पर उसने कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा कॉपी किया। लिजी, इसमें पूरी हिस्ट्री है, किसका ऑर्गन निकाला है और किसको ऑर्गन बेचा है, और अगला इमरजेंसी ऑर्डर कौन सा है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स है। डेटा के मुताबिक अगर अगले ऑर्डर से मैच करता हुआ पेशेंट मिल जाता है तो ऋषि विल गो फॉर सर्जरी। पर मैं, देखो तुम कुछ भी करके उसका पूरा वीडियो निकालो प्लीज, इसमें कैमरा है, बी केयरफुल। उसी दिन मैंने आखिरी बार रसूल को देखा था, उसी रात उसका कत्ल हो गया, पर मैंने उसका पूरा काम कर दिया था। आई शॉट एवरीथिंग। ऑपरेशन के बाद कुछ ही दिनों में उस बच्चे की मौत हो गई थी। हे भगवान, क्या हो गया, मेरे बच्चे चले गए। देखो ना, उठाओ ना तुम्हारी दोस्त को, उसको बोलो ना उठने के लिए। सर, इसमें आज तक के उसके सारे कारनामों की डिटेल्स हैं। थैंक यू, ये काफी है कमिश्नर साहब, ये काफी उसे पकड़ने के लिए। तो क्या नटेशन को अरेस्ट कर ले? नो, उसे बाहर रहने दीजिए, खेल का मजा लेने दीजिए। अब राजा का असली खेल शुरू, द रियल प्ले। आज की सबसे बड़ी खबर ये सुनकर पूरा राज्य बौखला गया है। मेडिकल कैंप के नाम पर पंबन द्वीप के मासूम लोगों के ऑर्गन्स को बड़ी क्रूरता से निकाल लिया जाता है। नटेशन चैरिटी हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल कैंप के नाम पर वहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाकर बड़ी ही बेरहमी से ये खतरनाक रैकेट चलाया जा रहा है। दक्षिण भारत जन समूह के नेता और पंबन द्वीप के बाई इलेक्शन के उम्मीदवार मधुर राजा के नेतृत्व में किए गए इन्वेस्टिगेशन में क्लियर का पता चला है, और वो भी ठोस सबूतों के साथ। मैं भी पेट दर्द के लिए उस कैंप में गया था। राजा साहब के कहने पर जब मैंने स्कैनिंग कराई तो पता चला कि उन्होंने मेरी किडनी निकाल ली। बहुत क्रूरता से यहाँ पर लोगों की बलि चढ़ाई गई है। पैसों के खातिर लाचार लोगों की जान लेने वाले डॉक्टर ऋषि को अरेस्ट कीजिए। इस
ऑर्गन रैकेट के जिम्मेदार और मेडिटेशन चैरिटी हॉस्पिटल के एमडी के बेटे डॉक्टर ऋषि को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उन पर खून का इल्जाम लगाया गया है और उन्हें बेल भी नहीं मिलेगी, ऐसा सूत्रों से पता चला है। मेरे बच्चे को मार डाला तूने, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे क्या किया था उस मासूम ने, नहीं छोड़ूंगी तुझे, मारो इसे। मेरी बच्ची को मार डाला, नहीं छोड़ूंगी इसे। बामन द्वीप के बाई इलेक्शन के लिए बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं। मलयाली कांग्रेस के नेता और उम्मीदवार वीआर नटेशन के बेटे डॉक्टर ऋषि पर जब इतना बड़ा आरोप लगा है तो क्या वो इलेक्शन जीत पाएंगे? अब देखना होगा कि इनकी पॉपुलैरिटी पर इसका कितना असर पड़ेगा। इस देश की राजनीति में ये नटेशन पहला क्रिमिनल नहीं है। पामन द्वीप में जो हुआ वो पहली दुर्घटना भी नहीं है, फिर भी राजनीति में ऐसे बेईमान लोग कैसे टिके रहते हैं ये सोचने वाली बात है। और वो इसलिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर हम एकजुट होकर नहीं रहते। पूरी दुनिया को हम लोगों ने दिखाया है कि जब देश पर कोई मुसीबत आती है तो हम एक साथ खड़े हो जाते हैं। खाना ना पीना, ना दिन देखते हैं ना रात, बस एक ही लक्ष्य होता है, सबका साथ देना। आप लोगों ने तो प्रलय के खिलाफ तक साथ दिया है, अभी भी आप में वो मानवता है तो बदलाव की उस आग को चिंगारी दीजिए। अब फैसला आपके हाथ में है, न्याय आपको करना है, तो आप लोग मेरा साथ देंगे ना? आप इलेक्शन हार जाएंगे मालिक, हमारा जीतना नामुमकिन है। सुनो चंद्रा, उसने मेरे साथ ये खेल खेला है, आई इलेक्शन में उसकी जीत निश्चित है। रिजल्ट्स के बाद वो फिर से यहाँ जरूर आएगा। राजा ने मेरे लिए गड्ढा खोदा है तो उस गड्ढे में मिट्टी डालने के लिए आखिरी बार जरूर आएगा। उसके यहाँ आने से पहले ही हमें उसे और उसके साथियों को खत्म करना होगा। क्या हुआ बताता। ये जगह है, आ जाओ। छोटे, मीनाक्षी को मैंने ही मैसेज करने को बोला था, लेकिन मैं राजा के आने की उम्मीद कर रहा था, तुम्हारी नहीं। वो राजा तुम्हें बचाने जरूर आएगा। देखो तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, मैं आ गया हूँ, इन दोनों को छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले किसे छोड़ूं। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन मेरे समझाने के बावजूद तुमने उनकी मदद की। तुमने तो मेरे साथ काम किया है ना, मेरी बात नहीं मानी इसलिए चोट पहुंची ना। साजी, जाओ बचा लो अपने आप को। ए
जाओ 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 जाओ, बचा लो अपने आप को। भागो। नहीं भागो लिजी, नहीं भागो लिजी, भागना मत, भागो। क्या हुआ, सब लोग ऐसे चुप क्यों हैं? हाँ
क्या हुआ? छोटे कहाँ है? अरे छोटे है कहाँ? छोटे, छोटे राजा, छोटे राजा, क्या हुआ मनी अंकल? छोटे कहाँ है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे यहां कोई कुछ बताएगा? मेरा भाई कहां है? हाँ? राजा, तुम्हारा भाई और मेरा बेटा हमें छोड़कर चला गया। वो चला गया। हमने उसकी शादी तय की थी ना, फिर भी वो चला गया। हाँ? राजा भैया, उन्होंने छोटे राजा को मार डाला, मैं उन्हें नहीं बचा पाया, छोटे राजा हमें छोड़कर चले गए। तुम रो क्यों रही हो? हाँ, मैंने तो कहा था ना, मेरा छोटे जान देकर भी साथियों की रक्षा करता है। हम मदुरई वाले जुबान के पक्के होते हैं, वी आर वर्ड कीपर्स। लेकिन मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। छोटे तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? छोटे, राजा तुम्हें नहीं रोना चाहिए, रोना तो उन्हें चाहिए, उन्हें छोड़ना मत। अब तू उसका खात्मा करके ही लौटना, उसका नाम और निशान मिटा देना। राजा, राजा, राजा! जाओ,
Oh!